शायद ही कोई ऐसे विजिट करने आया होगा रात के 3 बजे। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग, ये है एचएल पुलिस की नौकरी। अरे यार ये ट्रक में काम, अरे गजब अंधेरा है भाई। तो जय हिंद दोस्तों, फिलहाल हूँ मैं अपने कमरे में और टाइम हो रहा है, कितने बज रहे हैं यार, 2:20 है ना, 2:20 का समय हो रहा है। और मैं आपको बता दूँ ये रात के 2:20 हो रहे हैं, और अभी 15 मिनट पहले ही मैं बाहर से आया हूँ ड्यूटी से, और 15 मिनट का ही समय मिल पाया है। मैं जल्दी जल्दी फ्रेश हुआ हूँ और एक ट्रेजेडी हो गई, मतलब एक इमरजेंसी ड्यूटी आ गई एक्चुअल में, कि मुझे एक स्पेशल ड्यूटी के लिए शहडोल जाना है, पर चूंकि मैं दूसरी ड्यूटी में व्यस्त था तो मैं जा नहीं पाया सही समय पे। अब सुबह जल्दी से वहाँ 7 बजे पहुँचना है, और हम लोग फिलहाल हैं अभी हाटा में, और हाटा से कितना 226 किलोमीटर दूर पड़ी है ना, 226 किलोमीटर करीब दूर दिखा रहा है। मैं अपने दोस्त को बुलाया हूँ पटेल को, चूँकि सरकारी व्हीकल्स जो थे वो चले गए हैं, सरकारी बस और पूरा फोर्स जा चुका है, और मुझे भी पहुँचना है, मैं लेट हो गया हूँ, तो मैंने एक प्राइवेट व्हीकल किया हुआ है, पटेल है अपने दोस्त, उनके साथ जा रहा हूँ मैं। तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं, फिलहाल तो रात के 2:20 हो रहे हैं और 7 बजे पहुँचना है, तो ट्राई करेंगे कि पहुँच पाएँ सही समय पर, है ना, और कैसी रहती जर्नी मैं बीच बीच में आपको दिखाता रहूँगा। हाँ ठीक है, मेरे पीछे आना तुम भी। तो फिलहाल तो सामान रख लिया है, और चूंकि मैं दिन भर से यूनिफॉर्म पहना था तो अभी तो पहनने का मन नहीं है, तो मैं सिविल ड्रेस पहन लिया हूँ, यूनिफॉर्म गाड़ी में रखी ना अपनी। हाँ ठीक है, यूनिफॉर्म रख ली है, और सुबह 7 बजे पहुँचने की कोशिश करते हैं, चलिए चलते हैं। तो फिलहाल अब यात्रा प्रारंभ होने वाली है, रात के कितने बज गए, 2:24 हो रहे हैं, और अभी हम लोग हाटा से निकल रहे हैं, मैं हूं और मेरा दोस्त पटेल है, और ट्राई करेंगे कि सही समय पर वहां पहुंच पाए। और काफ़ी हैक्टिक होने वाली है ये ड्यूटी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाया, सुबह कॉम्बिंग गश्त में निकला था सुबह 5 बजे, उसके बाद से लगातार व्यस्त रहा, फिर थाने में व्यस्त रहा, चौकी में व्यस्त रहा, तो लगातार मुझे करीब 2 बजे तो मैं फ्री हो पाया था। अभी रात के 2 बजे जब मैं जैसे ही यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि मेरी ऑलरेडी वहाँ ड्यूटी फिक्स है और उसमें जाना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए फिर मैंने तुरंत गाड़ी अरेंज की और तुरंत हम लोग वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जाना तो वैसे सरकारी व्हीकल में फोर्स के साथ था, और वो ऑलरेडी बल रवाना हो चुका है चूँकि लेट हो गए थे, तो अब देखते हैं टाइम मैच हो पाता है कि नहीं, सही समय पर पहुँच पाते हैं कि नहीं। चलिए साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ अपना चौकी क्षेत्र, ये अपनी सड़कें हैं हाटा के, ये घंटे का लगभग सफर पड़ेगा, 4.5 घंटे का लगभग पड़ेगा, अब देखते हैं, और वो डिपेंड करता है रास्ते की कंडीशंस पे, और अगर कोहरा वोहरा ना हो, अब तो कोहरा वोहरा का समय हो गया है, कोहरा वोहरा ना हो उस हिसाब से देखते हैं समय पर पहुँच जाए। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग, ये है एचएल पुलिस की नौकरी, कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है कि 6 से 8 घंटे आपको करना है, इतने इतने टाइम पे रहना है, इतना इतना काम करना, कुछ भी फिक्स नहीं है, आप कब तक रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। मैं सुबह 5 बजे का निकला था और 2 बजे रात को फ्री हुआ, और उसके बाद फिर पता चला कि इम्पोर्टेंट है, जाना है तो जाना पड़ेगा। खैर लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो जुनून में रहते हैं, पुलिस की नौकरी है करना ही है, सेवा भाव है, जाना तो है ही, मज़ा आ रहा है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है, एडवेंचरस है। ये भी कि रात के 2:40 हम लोग निकल पड़े हैं वहाँ पहुँचने के लिए शहडोल, और देखते हैं अगर वहाँ ड्यूटी के बाद थोड़ा समय मिला तो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे शहडोल में क्या क्या खास चीज़ें हैं, और एक मीटअप भी रखेंगे अगर संभव हुआ तो, वहाँ के दोस्तों से मिलने का प्लान बनाते हैं अगर थोड़ा समय मिल पाया तो ड्यूटी के बाद, देखते हैं। तो जय हिंद साथियों, बहुत तेज़ नींद भी आ रही है, बाकी गाड़ी में सो भी नहीं सकते, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कहाँ, अमिलिया साइड से जा रहे हैं, ये अमिलिया वाला क्या है, ये क्या बोलते हो,
पिपराही तो हम लोग पिपराही निकलने वाले हैं और यहाँ से बगल से गांव बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं बहुत ही शानदार नज़ारा है। ये सड़कें काफ़ी डेंजरस है यहाँ पे, धीरे धीरे चलने के लिए होती हैं और बहुत सारे मोड़ हैं। देखिए सामने से ट्रक भी आ रहा है, देखना संभल के है ना, डिपर कर लो आराम से। बहुत शानदार नज़ारा है लेकिन बाएं साइड में, और अभी समय हो रहा है रात के, बज रहे हैं 3:05 है। दिखा रहा है ब्योहारी पड़ेगा, जैसे 30 किलोमीटर दूर है अभी ब्योहारी पे गुजरना है। रुक के देखें यार थोड़ा, यहाँ अच्छा लग रहा है, रुको जरा। चलिए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, शायद ही कोई ऐसे विजिट करने आया होगा रात के 3 बजे पर। हम लोग को जाना है और थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे अपने चालक, तो थोड़ा देख ही लेते हैं। अरे गजब अंधेरा है भाई, ये इस साइड पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के किनारे किनारे रास्ता बनाया गया है। पहले बहुत समय पहले मैं आया था तो बहुत ख़राब रास्ता था, ये वन वे टाइप का था, पूरा यहाँ से वहाँ तक रुकना पड़ता था, एक गाड़ी निकलती थी फिर अगली गाड़ी निकलती थी। पर अभी तो बहुत अच्छी सड़क बन गई है, फिर भी थोड़ी ख़तरनाक सी है क्योंकि पहाड़ियों के किनारे से निकली है, आए दिन अभी भी यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसीलिए बगल से बॉर्डर टाइप की बनाई गई है। नीचे एकदम खाई है, पता नहीं अंधेरे के कारण आपको दिख पा रहा होगी नहीं, पर शायद लाइटिंग से आप समझ पाएंगे कि नीचे जाके वहाँ पर गांव बसा हुआ है। और फिलहाल हम पहाड़ के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर चांद भी बहुत खूबसूरत लग रहा है अस्त। तो पिपराही ये है अपना पिपराही, और थोड़ी देर में हम मिलिए बहुत, अरे यार ये ट्रक के साउंड, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये ट्रक के साउंड के कारण साउंड नहीं आ पा रहा होगा। रात के 3:15 बज रहे हैं, धीरे धीरे चलेंगे, सैडोल पहुंचेंगे और देखते हैं बीच बीच में जो भी एडवेंचरस जगह होंगी वो आपको मैं दिखाता रहूँगा। ये देखिए सामने से कितना सुंदर नजारा है, अंधेरी रात है और लंबा सफर है। अरे मैं शायर ना बन जाऊं ऐसे बोलते बोलते व्लॉगिंग के चक्कर में। वैसे व्लॉगिंग अच्छी चीज है यार, एटलीस्ट आदमी बोर तो नहीं होता है ना, क्योंकि जिस हिसाब का मैं थका हुआ हूँ और जिस हिसाब का आज मेरा बिजी शेड्यूल था, तो मेरा तो एकदम मन थोड़ा विचलित सा हो रहा था कि उतनी दूर जाना भी है, सुबह से रेस्ट नहीं है। हाँ पर ये व्लॉगिंग के चक्कर में थोड़ा एक्साइटमेंट बनी हुई है कि चलिए आप लोगों को मैं दिखाऊंगा मैं सफ़र कैसा है। हाँ ये घाटी करीब 4 किलोमीटर की पड़ेगी यहाँ पे, मैं बहुत समय पहले यहाँ पर आया था। मैं एक्चुअल में जब प्रोविजन पीरियड में था तो मैं कुछ समय के लिए पिपराही चौकी प्रभारी था, यहाँ पे हनुमाना थाने की एक दूसरी चौकी पड़ती है पिपराही, ये उसी के अंडर में आता है, आधा हिस्सा आता है अमीलिया में, अमीलिया थाने के अंतर्गत। तो स्टार्टिंग में प्रोविजन पीरियड में मैं उस चौकी का इंचार्ज रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया है। और अभी भी याद है मुझे, क्या है पिपराही चौकी काफ़ी इंटीरियर में थी और यहाँ पे कुछ था नहीं पता है, तो मैं जिम जाने के लिए अमीलिया जाता था। अमीलिया थोड़ा सा ऐसा थोड़ा अच्छा एरिया है, वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है, जिम भी है वहाँ पे। तो जब मैं प्रोविजन पीरियड में आया था तो पिपराही एकदम गांव था और वहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी खाने पीने के हिसाब से, कभी नहीं था। अब तो खैर काफ़ी डेवलप हो गए, चौकी भी नहीं बन गई, उस समय तो चौकी भी नहीं बन पाई थी। तो मैं इसी रास्ते से अपनी बुलेट से जाता था रोज़ सुबह जिम जाता था पिपराही से अमीलिया तक। चलिए मैं दिखाता हूँ अभी वो जिम अगर होगी तो, वैसे तो रात को समझ में नहीं आएगी अगर हम उस रूट से गुजरते हैं तो। इस साइड देखिए पूरी खाई है, और पुराने समय में यहाँ पे काफ़ी लूटपाट की घटनाएं भी होती थी, इसीलिए इसको मतलब मेन सेंसिटिव एरिया में माना गया है, और पुलिस तो दोनों जगह लगती है, साथ में यहाँ पे 1-4 का गार्ड हमेशा उपलब्ध रहता है। अब मैं आपको दिखा नहीं पाया वो स्टार्टिंग में और एंड में यहाँ पे आपको, और बीच में वो लोग गश्त भी करते रहते हैं। 1-4 का SAF का बल, स्पेशल आर्म फोर्स का बल यहाँ पे अलग से लगा रहता है, ताकि ये घाटी में सुरक्षा बनी रहे, रात में आने जाने वाले वाहनों को और आने जाने वाले यात्रियों को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े।
उसके लिए एक अलग से यहाँ पे फोर्स रखी गई। वो लाइट में आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी नई चौकी बनी हुई है पिपराही की, और काफी अच्छी चौकी बन गई है, अपडेटेड है, और इसी साल अभी अभी इनॉग्रेशन हुआ है। आप देख सकते हैं रात के इतने बजे भी यहाँ लगातार ट्रक्स चल रहे हैं, लगातार हाईवास चल रहे हैं। इनका कारण ये है कि यहाँ पर क्रशर है, बहुत यहाँ पे क्रशर वाला एरिया है। ये यहाँ पे छह क्रशर के प्लांट है, इसीलिए एक प्लांट वो है, आप लाइटिंग से समझ जाइए, यहाँ पे वो अधिक लाइट दिख रही। तो यहाँ पे क्रशर के 4-5 प्लांट लगे हुए हैं, इसी वजह से यहाँ पर ये वो हैवी मशीनें लगी हुई हैं क्रशर की, इसी कारण लगातार यहाँ ट्रांसपोर्टेशन चालू रहता है दिन रात, इसलिए बहुत। तो सुबह के 6:15 हो गए और यहाँ की सड़कें तो काफी अच्छी लग रही हैं यार, ये जंगल के बीच से होकर जा रहा है। रात से सफर जारी है पर अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं और पता नहीं कब पहुँचेंगे। ये तो अच्छा है कि रात के 2 ही निकल गए थे, और सुबह निकलने का प्लान बनाया होता, जैसे कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं थी, मैप में तो करीब 226 किलोमीटर्स दिखा रहा था, पर चूँकि रास्ता इतना ख़राब है तो हम लोग पहुँच नहीं पाते समय पर। अभी भी पहुँच नहीं पाए हैं पर ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं जहाँ जाना है शहडोल तक। अब वहाँ पहुँच के देखते हैं फोर्स कहाँ ठहरी है, उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे। खैर सफ़र अच्छा है, हरा भरा है काफ़ी। तो दोस्तों फाइनली इतनी मुश्किल सफ़र के बाद फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं डेस्टिनेशन पॉइंट पे, और अब मैं ड्यूटी में जा रहा हूँ। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।